हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की नए तरीके से चटनी, जिसे हम खटमिटिया भी कहते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे, तो इसमें हम 2 चम्मच तेल को ऐड कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल को ऐड कर दिया है। यहाँ पे अच्छे से ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच खड़ा ज़ीरा, 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच खड़ा सौंफ और 1/2 छोटी चम्मच ये जाएगा इसमें हींग। इन सारी चीज़ों को 5-6 सेकेंड के लिए अच्छे से पकने दें, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और चटनी में इसका फ्लेवर अच्छे से आए। तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे, ताकि ये जले ना, क्योंकि मैंने पहले से ही ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया था और उसके बाद ही मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं जली हैं। तो जब इसका कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे मैंने 400 ग्राम कच्चा आम ले लिया है। इसे आप कट करके रखेंगे तो 1 प्लेट होगा। इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दें, साथ में नमक को भी ऐड करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये चटनी है और बहुत ही अच्छी लगती है। खट्टी मीठी इसका टेस्ट रहता है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी को डाल देंगे, ताकि फिर हमें इसमें अलग से पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 ग्लास ही बिल्कुल परफेक्ट है 400 ग्राम कच्चे आम में। तो इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और 15 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकने देते हैं। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ये देखिए। जैसे ही कच्चा आम इस स्टेज पर आए, तो यहाँ पर मैंने 1 बाउल जैगरी और 2 चम्मच बड़े वाले चम्मच से चीनी ले ली है। जैगरी और चीनी को हम अच्छे से डिज़ोल्व होने तक पकने देते हैं, और जैसे ये डिज़ोल्व होगा हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। 5 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने इसे कुक किया है और जैगरी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो इस स्टेज पे 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच ही जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और 1 बॉयल आने तक हम इसे कुक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी खट्टी मीठी कच्चे आम की चटनी बनके तैयार हो गई है। इसे मैंने टोटल 20 मिनट तक कुक किया है और 20 मिनट में हमारी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है। तो आप इसे एक बार मेरे मेथड से बनाइएगा और आप इसकी थिकनेस भी देख लीजिए, इतनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ा और थिक होगी। तो यहाँ पे अब हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। आप इस चटनी को बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में रोटी के साथ या फिर समोसा पकौड़े और ब्रेड पकौड़े के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।